तो सबसे पहले बात कोरोना के कहर की। देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब तक पूरे देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए राज्यवार आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, कितनों की जान जा चुकी है और कितने ठीक हो चुके हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। 1,141 मामले, जिसमें से 47,796 ठीक हुए हैं, जबकि मौत हुई है 3,717 लोगों की। सबसे ज्यादा यही पर डराने वाले आंकड़े हैं महाराष्ट्र के। बात अगर दिल्ली की करें, देश की राजधानी, यहां पर भी लगातार मामले तेजी से बढ़ते हुए 36,824 मामले ठीक हुए हैं, 13,398 जबकि मौत हुई है 1,214 लोगों की। वही बात राजस्थान की करें तो 12,186 यहां पर बीमार जबकि ठीक हुए हैं 9,011 जबकि मौत हो गई है 275 लोगों की। बात तमिलनाडु की करें तो 40,698 मामले यहां पर भी लगातार बढ़ते हुए, जो ठीक हुए हैं वो है 22,047 लोग जबकि मौत हुई है 367 लोगों की अब तक। बात मध्य प्रदेश की करें, 10,443 बीमार जबकि ठीक हुए हैं 7,201, मौत हुई है 440 लोगों की। उत्तर प्रदेश में 12,616 ठीक हुए हैं 7,609 जबकि मौत हुई है 365 लोगों की। बात पश्चिम बंगाल की करें, 10,244 बीमार जबकि ठीक हुए हैं 4,206, मौत हुई है 460 लोगों की। आंध्र प्रदेश में 5,680 बीमार ठीक हुए हैं 3,105 जबकि मौत हुई है 80 लोगों की। बिहार 5,000 का आंकड़ा यहां पर पार होते हुए 5,103 कुल संक्रमित ठीक हुए हैं 3,587 जबकि मौत हुई है 36 लोगों की।